ये रिश्ते क्या कहलाता है में नया ट्विस्ट लाने के लिए अब होने वाली है कहानी एक ऐसे मोड पर शुरू जहां पर हम देखने वाले हैं फैंस की अब अभीरा और अरमान के बीच का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट, जो शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो सबके सामने रखा होगा, और उसके बाद जितना गुस्सा अरमान पर अरमान की माँ उतारने वाली है उससे भी कई गुना ज्यादा अभीरा पर, जो माँ अभीरा को अब तक एक बेटी की तरह रखा करती थी अब वही माँ उन्हें बेटी कहने से इनकार करती नजर आने वाली है। जिसके बाद जहां पर अरमान जो है वो दादी सा को सिर्फ यही समझाने की कोशिश करेंगे कि वो एक ऐसी चीज में फंस गए थे, ऐसे वादे में फंस गए थे जिसको निभाने के लिए उन्हें एक साल की शादी करनी पड़ी, पर अब क्योंकि बहुत ही जल्द एक साल भी कंप्लीट होने वाला है, मगर उससे पहले ही अबीरा लेने वाली है एक ऐसा बड़ा फैसला जहां पर वो छोड़कर चली जाएंगी पुदार हाउस। जी हाँ फैंस, अभीरा को पुदार हाउस से बहुत कुछ मिला, पर अब शायद पुदार हाउस छोड़कर जाने का अभीरा का वक्त आ गया है, और अभीरा का ये फैसला फिलहाल के लिए तो उन्हें पुदार हाउस से दूर करने वाला है और वहां पर अरमान भी मौजूद होंगे, लेकिन अभी तक वो 3 महीने का वक्त बाकी है जो कि एक्चुअली में वादा पूरा करने तक अरमान को निभाना था, पर क्योंकि अभीरा अरमान को उस वादे से आजाद करती नजर आने वाली है, पर क्या फिर भी अरमान अभीरा के पीछे जाएंगे, उनकी केयर करने जो लगे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अभीरा से जो प्यार हो गया है भले वो बताना नहीं चाहते हैं, क्या उसकी खातिर वो अभीरा को एक बार फिर से पुदार हाउस लौटा कर लेकर आएंगे। चंचल सापस के शो ये रिश्ते क्या कहलाता है को लगातार देखते रहिए, स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चल रहे हैं, बाय बाय एवरीवन।